नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की सबसे बुजुर्ग महिला विधायक सूर्यकांता व्यास को लेकर। कल पेनल्टी कॉर्नर में छाए रहे थे कैलाश मेघवाल, राजस्थान के सबसे बुजुर्ग पुरुष विधायक। भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। उनके बयान को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था एक केंद्रीय मंत्री पर। सूर्यकांता व्यास 85 ईयर्स की है, कैलाश मेघवाल 90 साल की। हमने आपको याद होगा 4 महीने पहले जब पेनल्टी कॉर्नर शुरू किया था तब इन दोनों के इंटरव्यू दिखाए थे और दोनों ने ताल ठोक के कहा था कि हम विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उम्र हमारे आगे कहीं नहीं अड़ती। 90 साल के कैलाश मेघवाल कह रहे थे कि 90,000 से जीतूंगा और सूर्यकांता व्यास कह दी पार्टी ने कहा तो मैदान में उतरने को फिर तैयार हूँ। 6 बार की विधायक, 3 बार सूरसागर से, 3 बार जोधपुर शहर से। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त तो वही था जो कैलाश मेघवाल का जयपुर में था, लेकिन उन्होंने अपने कार्य गिनाए, अपनी उपलब्धियां बताई, जोधपुर के लिए क्या किया, कैसे किया वगैरह वगैरह तमाम बातें, और चुनाव लड़ने की तैयारी अपनी बताई उन्होंने उसी ठीक वक्त जिस वक्त की कैलाश मेघवाल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जयपुर में। सूर्यकांता व्यास वसुंधरा जी ने पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा के दौरान उनको जीजी कहकर बुलाया था मंच से, मेरी जीजी, वसुंधरा जी की जीजी सूर्यकांता व्यास ने। कल पुष्करणा समाज के एक समारोह में जहां सूर्यकांता व्यास का इसलिए अभिनंदन किया गया कि पुष्करणा समाज की देवी को लेकर 4,85,00,000 की स्वीकृति राज्य सरकार से लेकर आई है उन मंदिर के लिए, लेकिन जब उनका अभिनंदन किया गया तो बहुत ही ईमानदारी के साथ, बुजुर्ग हैं कोई लाग लपेट नहीं, उन्होंने कहा कि अभी राजा महाराजा करते थे इस तरह मंदिरों के लिए काम, आज अशोक गहलोत ने काम किया है, मैं अशोक गहलोत का धन्यवाद देती हूँ। और अशोक गहलोत की उन्होंने ये ध्यान दिए बिना कि चुनाव का वक्त है और अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और वो बीजेपी की विधायक है, इस पर कोई नज़र नहीं थी उनकी। नज़र इस बात पर थी कि अशोक गहलोत ने कुछ किया उनके समाज के लिए, उनकी मांग को पूरा किया, तो उन्होंने स्पष्ट और निर्भीक शब्दों में अशोक गहलोत की तारीफ कर दी। अब इस तारीफ को लेकर जोधपुर में ये तारीफ वायरल हो रही है और तरह तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं कि क्या सूर्यकांता व्यास को 7वीं बार चुनाव लड़ाया जाएगा, नहीं लड़ाया जाएगा, और नहीं लड़ाया जाएगा तो क्या वो लड़ लेंगी वगैरह वगैरह तमाम बातें इस बाइट को लेकर, उनके इस बयान को लेकर जोधपुर में चर्चा में है। 85 साल की बुजुर्ग महिला जिन्हें पूरे जोधपुर में बहुत ही श्रद्धा आदर के साथ देखा जाता है और जो कमिटेड रहती जनता के कामों के लिए, बहुत उनकी तारीफ है, इसीलिए बराबर जीतती रहती है। आइए सुनते हैं क्या कहा सूर्यकांता व्यास ने पुष्करणा समाज के उस समारोह में जिस समारोह में मूर्ति और मंदिर के लिए 4,85,00,000 रुपए सरकार के स्वीकृत करने पर उनका अभिनंदन किया जा रहा था। धरोहर है उसके नाम ब्राह्मण, उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुष्कर माता है, अड़ो काम किया है कि आज तक कोई भी नहीं करियो, या तो महाराजा राजा महाराजा करियो या अशोक जी करियो है। इतो पैसो 4,75,00,000 रुपया अगर इन्हें वास्ते सैंक्शन किया है। अब मूर्ति बहुत एक ऐतिहासिक और इन मूर्ति ने देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोकी हम कैसे खड़े हो, तो आज वो दिन आयो, आज वो सपना साकार करियो है। अशोक जी गहलोत मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। आज वो दिन आया जब ये सपना साकार हुआ, मूर्ति को देखने बहुत लोग आते हैं और इसके लिए मैं अशोक गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुनाव के ठीक पहले ये स्पष्टवादिता, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के
नेतृत्व को या आलाकमान को गले उतरेगी, हजम होगी, ये सवाल सबके दिमाग में सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं था इस तारीफ के पीछे, इसमें कोई दोराय नहीं। मैं इसको समझ सकता हूँ कि एक सहज भाव से बुजुर्ग महिला ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी है और ये ध्यान नहीं रखा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स मिलाई जाए। बिना राजनीति किए उन्होंने जो अशोक गहलोत ने किया, स्पष्ट है, उसकी तारीफ करती है। जोधपुर में दोनों सम्मान की दृष्टि देखे जाते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी और सूर्यकांता व्यास भी, और दोनों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है सार्वजनिक रूप से, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं गए हैं। और चुनाव भले दो अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं जो आमने सामने हैं, परंतु दोनों ने परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान को बरकरार रखा है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, सूर्यकांता व्यास की भी और अशोक गहलोत की। चलिए अब बात करते हैं हम अशोक गहलोत की। वहाँ कोटा में थे, उनको जाना था विधायक भरत सिंह कुंदनपुर के घर। जैसे ही भरत सिंह कुंदनपुर को पता लगा, भरत सिंह कुंदनपुर तुरंत सर्किट हाउस मिलने गए। एक प्रोटोकॉल था, मुख्यमंत्री आना चाह रहे हैं तो उन्होंने इनवाइट किया, और आज मुख्यमंत्री भरत सिंह के घर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि भरत सिंह अशोक गहलोत के तो उतने कटु आलोचक नहीं, आलोचक तो हैं, पर जो दो मंत्री हैं हाड़ौती से, प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल, उनके कार्यों के प्रति बहुत कठोर रहे हैं भरत सिंह, और सार्वजनिक रूप से कठोर रहे हैं प्रमोद जैन भाया को लेकर भी और शांति धारीवाल को लेकर। और परोक्ष रूप से माना जाना चाहिए कि चूंकि शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया के सर पर अशोक गहलोत का हाथ भी है, तो ये जो बुराई उनकी दोनों की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी चुभनी चाहिए थी। अशोक गहलोत ने बड़ा दिल दिखाया और सम्मान रखते हुए वो खुद उनके घर गए, बहुत सारी बातें उन्होंने की, दिल खोलकर जो कहना था भरत सिंह ने कहा होगा, ऐसा मानना है हमारा। परंतु इस मुलाकात के बाद भी वो उतने स्पष्टवादी और कठोर बने हुए हैं जैसे पहले थे। मुख्यमंत्री गए, मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया, उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाने जाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया, लेकिन मुद्दों पर आधारित विरोध उनका कायम रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। भरत सिंह का कहना था कि उनकी बातचीत में ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर कायम हैं। भरत सिंह कुंदनपुर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये वो पहले अनाउंस कर चुके थे, अभी भी अपने फैसले पर कायम है। शायद मुख्यमंत्री एक जितऊ प्रत्याशी के पास गए थे उन्हें मनाने, जो चुनाव लड़े वो जीतते रहे हैं, पहले मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो कहते थे कि वो अपने साथ सड़क को चेक करने वाली गाड़ी पीछे रखते थे और उसमें खुदवा कर हाथों हाथ मटेरियल चेक कर लेते थे कि कितनी मिलावट है। इस बारे में उनकी ख्याति रही है, उनकी एक बड़ी ईमानदार छवि रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनका सम्मान रखते हुए कोशिश की होगी कि वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाए, पर शायद वो राजी नहीं हुए, ऐसा उन्होंने कह दिया। और ये कहा कि मुद्दों पर आधारित मेरी बात जारी रहेगी, मैं ऐसा कोई लिहाज नहीं रखूँगा। हम उनकी बातचीत सुनवाते लेकिन बहुत शोर भी शराबे के बीच वो बोले हैं, तो स्पष्ट पूरी बात सुनाई नहीं पड़ रही।